हंसी स्टार्ट हो गई। सुस्वागतम, स्वागत है। भाई तू माथा तो दिखा ले, नीचे हो जा थोड़ी, तू कहाँ चढ़ कर, नीचे हो जा, चौड़ा और मेरे सामने नीचे आ जा भाई, नीचे आ जा। सर यहाँ पे ऐसे खड़ा हुआ है, क्या देखूं तुझसे, अब मेरे से बात कर किसी दिख नहीं रहा। अपनी पहले तो जैकेट खोल और मुझे मोटिवेट कर, मुझे मोटिवेशन या तो स्ट्रिप कराऊंगा भाई, रीआउट कर दे हमारे लिए भाई, रीआउट कर दो, कर ही दो सर, हमें रीड करना नहीं आता यार, कोई रीआउट पर कर दो। डोंट लेट मोटिवेशनल कोट्स रुइन योर शिटी डे। इससे याद है कि अराउखो ने बोला कि विल विन यूरोपा लीग, मोटिवेशन दे दी लंदन, डैम ब्रो अराउखो। तो सुस्वागतम, स्वागत है एक नए वाले पॉडकास्ट में। हमारी जो प्रॉपर कास्ट है वो वापस आ चुकी है, अधिदेव सर का बहुत जगह वर्ल्ड टूर करके वापस आ चुके हैं, वो पीकी ब्लाइंडर्स हमारा विनायक वहाँ पे बिल्लियों के पीछे बहन चोद कनस्तर में रह के, और हमारा मोटिवेशन भाई शिखर जिसका मन नहीं था यहाँ पे आने का, एंड वो कुछ दिन बाद ट्विटर सोशल मीडिया क्विट करने वाला है क्योंकि अब तो ओ होने वाला है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं शिखर, क्यों क्यों नहीं करेगा भाई क्विट भाई, मैं शेमलेस एएफ हूं यार, तू रोनाल्डो फैन बोलेगा, तू नेवर गिव अप करता है क्या भाई? इसने बोला ना, इसने बोला तो सही, he should have more, 5-6-7 more than yes on Twitter. फिर क्लाउड चीज़ तो, क्लाउड चीज़ तो पूरा शिखरी बनता यार है। बट इन केस यू डिडंट नो, बार्सिलोना विल प्ले यूरोपा लीग नाउ, चैंपियंस लीग के मंडे को ड्रा होगा भैंचो, चेल्सी एंड में सेकंड आ गई, पता नहीं क्या बकचोदी हुई जिसने भी गोल मारा, मुझे बहुत प्यारा गोल था वो भाई, गोल भाई केपा ही गलती थी अरे नहीं यार, वो तो बढ़िया थी, और क्या सीन था भाई अपना, बाकी कहीं ना कहीं क्यों आ रही है, ब्रश क्यों मार रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा है। और क्या सीन था भाई, बच्चों का खेल के लिए बोल, तो बच्चों के साथ भाई निकाल गई, टाइलर मॉर्टन कौन है भाई, 19 साल के बंदे बच्चों को घुमा रहे, और क्या सीन अपना, और क्या वो था सैल्सबर्ग के एकेडमी, वो सब उछल रहे हैं, और हालर का चैंपियंस लीग रिकॉर्ड, मुझे पसंद नहीं हालर यार, क्या है वो क्या है? मुझे नहीं पसंद, मुझे सिर्फ मुझे नहीं पसंद टाडिच और हालर, क्या कर दिया यार, यार वो क्यों क्यों भाई, टाडिच से फाड़ रहे इन केस यू डिडंट नो भाई, वो तो पूरे से आया सब कैरी कर रखा, और हालर कौन सा ओल्ड है, वो भी भाई 25-26 का है ना यार, ये ओल्ड होने लगा फिर तो, अबे ओल्ड नहीं कर रहे, मैंने कब बोला कि वो ओल्ड, मैंने कहा काफी मुझे पसंद नहीं है स्ट्राइकर वो, बस मेरी ओपिनियन है वो, ठीक है ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद बार्सिलोना यूरोपा लीग। मुझे पता भड़वे नहीं सुन रहे मेरी, बट तुम इसको फॉलो क्यों नहीं कर रहे शिखर को, तुमको नहीं चाहिए क्या अपना डेली डोज ऑफ एंटरटेनमेंट? लॉन्डे का तुम देखा प्री ट्वीट कि माय प्रेडिक्शन बार्सिलोना 2-1 यार, सब रोते रहते यार ऑल टाइम लाइफ में, से ऑप्टिमिज्म अगर सबके पास आ जाएगी ना तो बहुत अच्छा, वो थोड़ा ज्यादा हो गया, पर मेरे को मेरी इमेज तो मेंटेन करनी होगी ना, जितना मैंने जज करा शिखर को, आई थिंक शिखर इज, शिखर डाउट्स हिमसेल्फ बट ही लुक्स फॉर पीपल अपने अपने थॉट्स को कंफर्म करने के लिए, तो मैंने उससे पर्सनली पूछा था इंस्टाग्राम पे, तो मैंने बोला तो कह रहा नहीं बायन हारे उसे बारसा हारे की 2-1 बट डिनामो विल फक बेनफिका, तो लौटा था कहीं ना कहीं ऑप्टिमिस्टिक था, जुगाड़ बना रहा था। हां यार मतलब मैंने साफ बना रखा था कि डिनामो कैसे ना कैसे करके ड्रॉ तो निकाल ले बेनफिका से, पर डैम ब्रो आई वाज रॉन्ग, डिनामो लेट अस डाउन भाई, डिनामो लेट, बात ये कि डिनामो और बायर्न लिटरली साथ साथ स्कोर कर रहे थे यार, मतलब डिनामो का सॉरी बेनफिका और बायर्न, बेनफिका बेनफिका बायर्न, हां हां यारेमचुक भाई, यारेमचुक ने बहुत कुछ बोल, बट वही तो शिखर क्या बोलूं, तो तेरा क्लब यूरोपा लीग जा चुका है लाइक, तूने तो भी लाइक तू 23-24-22-21 मुझे पता है, तो पता एज नहीं पता भैंसो में, तो तेरी एज क्या है वैसे, था तू 22 का, तो 22 साल की जिंदगी में तूने तूने बार्सा को भी यूरोपा लीग में नहीं देखा ना, राइट? नहीं, एंड नाउ फाइनली यू सी अ क्लब व्हिच यू हैव बीन सपोर्टिंग 2008 से, जब भी मुझे पता नहीं जब से भी, कब से सपोर्ट कर, देयर इज अ फर्स्ट टाइम फॉर एवरीथिंग भाई, 12 से यू सॉ द ग्रेट टाइम्स, थोड़े ग्रेट टाइम्स के एंड में यू सॉ चैंपियंस लीग विन इफ नॉट विंस, एंड नाउ यू सी योर क्लब प्लेइंग यूरोपा लीग फुटबॉल, shame on you, sorry अरे बाप रे, podcast से पहले क्या बोला था कि शिखर हम तुमको support करेंगे भाई, my boys let me down, पर यार
मतलब मेरे लिए तो बहुत अजीब था कल, पता है ऐसा हो गया कि ऐसे ये बहुत सडन नहीं हुआ है, पता है बहुत ग्रेजुअली बहुत ज्यादा हुआ है, तो अब है ना उसको लेना मतलब एक्सेप्ट करना बहुत इजी हो गया हमारे, पता है कल रात में अब ऐसा हो गया कि हम मैचेस जो है ना उसका फेट 70 मिनट में एक्सेप्ट कर लेते हैं, ऐसा मतलब ऐसा पॉइंट आ चुका है, मतलब इस पॉइंट मतलब कमबैक काफी चीज एक्सेप्ट कर लेते हैं, ऐसी बात तो नहीं है 70 मिनट की, नहीं भाई बहुत ज्यादा रियलिटी वगैरह बहुत ज्यादा मतलब दिखने लग गई है, सही बताऊं तो मतलब पता था यूरोपा बहुत ज्यादा हाई फेस्ट था, इतना ही लगता था यूरोपा तक पहुंचेंगे कैसे ना कैसे करके, स्क्वीज आउट कर लेंगे ग्रुप में, सेकंड फिनिश करने लग जाएंगे, थर्ड से थोड़ा ऊपर करने लग जाएंगे, इस टाइप का हो गया था, बट ये बहुत ज्यादा लो हो गया और इतना पता था कि होगा एनफील्ड वगैरह सब कंपाइल हो के, आई वाज सर्टेन कि लो तो हम पहुंच जाएंगे, बट व्हाट आई एम आल्सो सर्टेन इज कि हाई भी हम जा रहे हैं। क्या तूने ऐसे क्या नोटिस करा कि इस बैन के तू हाई जा रहा है, तेरे क्लब तेरे बॉयज हाई जा रहे हैं, एंड यू नो डू यू रियली फील कि तू बॉयज बोल सकता है, यानी कि हर एक प्लेयर ऊपर जा रहा है? नहीं नहीं भाई, भाई क्या है मिंगिजा, वो तो तेरे से हेयर स्टाइल भी करता है वो तो तेरे से हेयर स्टाइल भी करता है भाई, ये क्या हो रहा है भाई, मिंगिजा क्यों बैठे मेरे सामने यार, मिंगिजा पता नहीं यार तो बस जस्ट एडमायरिंग the toughest part to do at that point was score a goal and Muller did that. Challenge hi nahi gaya pata hai firstly jo goal hai jo tum baat kar rahe ho uski pehli baat to Lewandowski ne ball hawa mein rakh di, usne aise ball di, usne ball na aise clip kar di, usne ball hawa mein rakh di, ab ye ki jo first to jump hai matlab wohi matlab exactly mujhe pata nahi ki agar ek defender kaise react karega us pe, defender ka jo ek wo hota hai na main, one of the main attributes of a defender is winning air duels, winning duels, kuch bhi karke ball jeetna apne half mein, this is main attribute of a defender, there were two defenders from Barca at that point near the goal aur ek attacker tha Muller, who is best prowess is not even heading uske main prowess mein hai bhi nahi, uske bawajood he won the header, abhi aur wo header aisa tha bhi nahi ki bhai, it was looping header, looping header, Ter Stegen tak kuch try karta, but it was Araujo the right back, bas ek banda kar raha tha koshish goal rukne ki pure back line mein, mere khayal se that goal was not a mistake of aerial duel jeetna fir harna, it was ki tum ultimately tum wo transition tha na, transition jab PK header lose kara tha fir Muller bhaga usse bakchodi, sorry Lewandowski bhaga usse jo nahi Sané ne, sorry Sané ne bas two ball dali PK follow kar raha wo dusra wala tha right, ha to us case mein tum Barca ho, aur main mujhe yaad hai jab end ke 15 minute the mujhe yaad tha PK chilla raha tha literally backline ko ki aap wo kafi vertically compact koshish kar rahi thi Barca, तो टू बी ऑनेस्ट पूरे 90 मिनट में स्ट्रगल कर रही है पूरी टीम, ऊपर नीचे हमेशा वेट कर रही कि अल्टीमेटली लेवेंडोस्की साने कोमन तो रन निकालेंगे तो भाई पीछे तो आना ही है, तो तुम उस मोमेंट से इतना वाकिफ हो सॉर्ट ऑफ कि तुम उस ट्रांजिशन में जैसे मिंगेज और लॉन्गले बॉक्स के पास पहुंचे ना अपने, दे डिडंट लुक कि मुलर वाज कम, मतलब वो अवेयर ही, मतलब स्विच ऑन ही नहीं थे भाई, स्विच ऑन ही नहीं था, स्टार्ट पर क्यों जंप रहे, उन्होंने देखा ही नहीं भाई वो आ रहा है, हां देखा ही नहीं भाई, ये तो और ही दिस इज सेम होता है भाई, तुम्हारे सामने तुम्हारे पिच में तो ये होता है, पर मुलर ने गोल बड़ा तगड़ा बनाया भाई लॉन्डन भाई, बट ये आई विल जस्ट गो बैक to that expression that Mingueza had when Muller was jumping, वो ऐसे नीचे देख लिया भाई Muller, अबे हम उसे उल्टा घूम गया भाई, वो उल्टा घूम गया, अब वो उल्टा घूम गया भाई, गेव अप भाई this is मतलब उसे फर्क नहीं पड़ रहा था भाई, this is so basic भाई, तुम घूम कैसे जा रहे हो भाई, अगर तुम्हारा अगर एक opposition player गोल मार्क के सामने है, ऐसे फर्क नहीं पड़ रहा था, एक बंदे को पड़ रहा था भाई, ये कोशिश कर रहा था, एंड पता नहीं आपने तुम तीन में से कौन अग्री करेगा, बट 24th मिनट जब एल्बा सब आउट हुआ था उससे पहले आई कांट से कि बायर्न डोमिनेटेड मैच, इवन आई कुड बायर्न डोमिनेट, बायर्न तो डोमिनेट करेगी बार्स, आई डिड नॉट इवन थॉट कि बायर्न डोमिनेट बार्स, बायर्न बार्स वाली टीम है ही नहीं थी भाई, मतलब बैकलाइन भी रखती है, बट भाई मैं तो पता कि बायर्न अगर बुस्केट्स बायर्न एक्सपोज करेगी उनके मिस्टेक्स, बायर्न वाज जस्ट वेटिंग फॉर बार्सिलोना टू जस्ट कीप ऑन मेकिंग, नहीं वैसे ये भी है कि भाई मतलब एल्बा बहुत बेटर डिफेंड कर रहा था, उस फ्लैंक पे कुछ भी नहीं हो रहा था तब तक, मतलब इतना था एल्बा के रहते हम हाई प्रेस कर रहे थे उनके खुद के हाफ में, उनके डिफेंडर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हां बोलते आई थॉट कि जब द मोमेंट पीके स्टार्ट, मतलब पहले 10 मिनट थे जब हमारी प्रेस अच्छी थी, एक तब लग रहा था कि अच्छी प्रेस कर रही है बार्सा इंटेंस,
उसके बाद पीके स्टार्टेड लूजिंग डुएल्स, लाइक बेसिक चीजें हारना शुरू हो गए, पेस पे कुछ पे जैसे भी, बस तब यू किल, बस जब बैकलाइन डुएल्स नहीं जीत पाती, हाई प्रेस ही नहीं कर सकते तुम ऊपर, उस सेम इंटेंसिटी से प्रेस ही नहीं कर सकते, मिडफील्ड ये सोचती रहेगी कि हम बैकलाइन को कवर करें कि आगे पुश करें, वही डिलेमा में फंस गए, वो चीज कर ही नहीं सकते। पीके लुक लाइक ही वाज प्लेइंग विदाउट एन एसीएल, पीके बिना एसीएल के खेल रहा था, पता नहीं पीके मीम बन चुका है, पीके डन है भाई, इज नॉट हेड भाई, इज अ नॉट हेड, इज अ मीम, एंड आई थिंक उसे को वो सुनते हो तुम, वो कराया उसने एक, वो नहीं है बैलून वर्ल्ड कप, तुम पता है, नहीं पीके ने एक चीज लॉन्च करी है एक महीने पहले, इसकी वो एक गेम नहीं कि एक कम एक काफी इंस्टाग्राम पे वायरल हुई थी पूरी वीडियो, कि कमरे में लोग बैलून उछाल रहे हैं और फिर बैलून को नीचे रुकने से रोकना है, नीचे जमीन पर रुकने से, उसका वर्ल्ड कप, पीके ने उसका वर्ल्ड कप खोला भाई। हाँ भाई, और कौन जीता है मेरे ख्याल से पेरू जीती है, मुझे पता नहीं कौन जीती है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मैं भी जीत सकता हूं, ही इज अ एंटरप्रेनर, अपने काफी ऑब्स्टिकल होते हैं बहन के लिए, उनको जंप करके मैं कहां का भूत है भाई, बट अच्छा जो विनायक का पूरा पॉइंट था ना बैकलाइन वाला, द वन थिंग व्हिच आई नोटिस, मैं थोड़ा नंबर्स देख रहा था एंड ऑब्वियसली बार्सा के प्रेस इन टर्म्स ऑफ हाईलाइन मेंटेन करना काफी विजिबल थी फर्स्ट 90 मिनट से बिल्कुल एंड तक, गवि ने 44 प्रेशर्स डाले पूरी गेम में, एंड द सेकंड वन जो उसी की पोजीशन में कहीं ना कहीं खेल रहा था, क्योंकि ऐसा फ्रंट थी ना, मतलब फ्रंट थी अगर मतलब काफी कॉम्प्लिकेटेड था कि कभी डेस्ट पीछे था आगे था, पीछे था हाँ, बट कभी-कभी गावी बिल्कुल सेंटर बैक को प्रेस करने आ रहा था, बिल्कुल तो गावी के वो एंड देन डेम्बेले आल्सो हैड टू डू दैट विद अपना पावर्ड, तो आई वुड एक्सपेक्ट एक प्रॉपर प्रेसिंग टीम को कि हर एक इक्विलिब्रियम होगा ना, फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट म्यूलर का और कौन है बैनचोद साने का, उन दोनों के प्रेशर नंबर प्रेशर सेम है, सेम है, चेक करो, क्योंकि वो दोनों एक पोजीशन में इट्स प्रॉपर बैलेंस्ड, कौन कवर कर रहा था, कोई कवर नहीं कर रहा था, उसके बाद बॉल कैसे आ सकती है, बैकलाइन क्या ही करेगी भाई उसमें भी, इन्होंने काफी हगा है, बट अल्टीमेटली जो शिखर ने पॉइंट बना कि आई होप बॉयज इंप्रूव, भाई बॉयज में इवन डेम्बेले डजंट कम, विदाउट द बॉल ही शिट भाई, ही इज डेड विदाउट द बॉल, बट टू बी ऑनेस्ट लाइक अब मैं जस्ट ऐड करना चाहूंगा इसमें, वो साने वाले गोल का अगर पॉइंट बोला क्या है, यस तुम डिफेंस के प्रेशर को फॉल्ट दे सकते हो, बट इन द एंड यू नो यू कांट कैन नॉट सेव दैट शॉट, ठीक है, यू कैन नॉट, ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई सिचुएशन ही नहीं हो सकता, मतलब तुम वो शॉट से, द लास्ट टाइम आई सॉ दिस शॉट हैपन वाज इन आईएसएल इन अ एफसी गोवा वर्सेस ईस्ट बंगाल मैच, वेयर दैट ईस्ट बंगाल कीपर इज द सेकंड कीपर इन ईस्ट बंगाल, सो यू कैन इमेजिन हाउ शिटी दैट कीपर इज, एंड इट वाज द सेम सिचुएशन दैट वाज साने वर्सेस बायर्न, भाई वो गोल तो बियॉन्ड क्रिटिसिज्म, उसमें तो तुम किस भाई, माने लेरिस ग्रेटर देन 10 सेकंड, ये क्या, ये तो कुछ है ही नहीं भाई, मतलब भाई मतलब तुम सेम ही, तुम ऑलमोस्ट सेम पोजीशन पे तुम डाइव, तुम हाई जंप कर रहे हो ऑलमोस्ट सेम पोजीशन पे भाई, पता नहीं क्या कर रहा, और तुम क्या यो फ्लैपिंग द हैंड्स, कुछ महीने पहले यूज होना था बेस्ट गोलकीपर्स, आई हैव नो क्लू क्या हो गया, महीने तो नहीं भाई, दो तीन साल से सेम चीज है, 2018-19 एंड पे खत्म हो गया था उसका, इसकी बहुत मेजर इंजरी थी, मतलब दो बार ऑपरेशन हुआ इसकी नी में, तो उन्होंने कहा कि टेर स्टेगन की टेक्निक में बहुत शिफ्ट था, मतलब पहले जिस फुट से वो खुद को प्रोपेल कर रहा था उससे नहीं कर रहा था, ये सब चीजें, और कौन सा हैंड से लीड कर रहा था कौन से नहीं, भाई ये लुक कंफ्यूज्ड, ये लुक कंफ्यूज्ड क्लैपिंग भाई, वही तो करो, अब मान ले तू एक काम करते है, दो साल करते है, तेरे साथ दो साल ये प्रॉब्लम हो रही है, तो तू गोल, यू स्टार्ट लीकिंग गोल्स, उसके बाद तेरा कौन भाई, गोलकीपिंग तो पूरा मेंटल गेम है, इट्स अ मेंटल गेम जस्ट एज मच इट इज अ फिजिकल गेम, उसके बाद डेड है भाई, सिंस देन ही हैज बीन डेड, लाइक कि मैं गोल बचा सकता हूं एक्चुअली, पहले होता था शायद कि टेस्ट टेकन विल गो एंड से कि भाई अच्छा मैं गोल बचाऊंगा, पर अब तो इट इज बियॉन्ड कि मतलब मैं, तुम कुछ बचा ही नहीं, कुछ कह ही नहीं सकते उसके डिफेंस में, ही इज सो बैड, लाइक ही इज सो बैड डिफेंस, और भाई मैच स्टार्ट हुआ पहले 5 मिनट में बुस्केट्स को फाउल करना पड़ा, येलो कार्ड ले लिया, पास किसकी गलत थी, एग्जैक्टली पता नहीं, और मेंटल आई थिंक उसका बिल्कुल मेंटल, और अब तो फिजिकल भी दिख ही रहे,
बट एक छोटा पॉजिटिव पता नहीं, आई डोंट नो अबाउट बार्सिलोना फैंस, बट एज अ न्यूट्रल फैन आई एम सेइंग एक छोटा पॉजिटिव लगा, डेम्बेले आउटपेसिंग उपामेकानो इन द फर्स्ट 30 मिनट्स लाइक ऑन दैट फ्लैंक दैट, बट वो भी ऐसा लग रहा था खाली पीटी उषा दौड़ रही है, वो भी ऐसे ही लग रहा था, मतलब इट्स नॉट इट्स हु कैन आउटपेस डेम्बेले, या एग्जैक्टली, but the thing is that end product, if that end product was there, no, he came in good positions he came in good positions, but he just had to get that end product right, cut back kar ya get that end product decision right, and if it's that weird could to have say happened, that but you know ki Barca ke attacking third pe unke final third mein zyada touches the than Bayern ke. Yeah, exactly. मैं वही बोल रहा हूँ. Like हमारा game भी बहुत अच्छी position. Second half I thought was good, better. और Nico भाई was एक अलग प्लेयर, लाइक जो निको ने टीम को इतना इंप्रूव करा ना, उसने आते ही लाइक ही गेव देम कंट्रोल इन सब कुछ, उसने आई थिंक ही डिड मोर प्रेशर्स अगेन देन डेम्बेले पूरे उस उसने पूरे जनरल टाइम उसने बताया पिच को. भाई डेम्बेले का सिर्फ प्रेशर में बताऊं क्या, एक बार ही स्टार्टेड प्रेशरिंग अलोन, भाई तुम प्रोफेशनल भाई, एक बार ये सीन था दिस स्टफ भाई, एक बार ये सीन था ये गावी मिडफील्ड में था. And then Depay ने कभी कभी होता है कि for example अगर एक पर तुम्हारी पोजीशन में तुम उसकी पोजीशन चले जाते हो, for example Depay को दिख रहा है कि गावी उधर, तो मैं चले आता हूं Depay अपनी जगह पे रहा, फिर गावी ने मिडफील्ड में प्रेस करा, फिर भाग के कुत्ते की तरह सेंटर बैक के पास गया और उसने प्रेस कर दिया उसने, लाइक रिपोर्ट्स आर सेइंग कि Xavi सेड ड्रेसिंग रूम में कह रहा था कि बस एक गावी खेल रहा था, गावी खेल रहा था, मतलब कुछ ऐसा सॉर्ट ऑफ था. बट टू बी ऑनेस्ट लास्ट फ्यू गेम से Depay, बार्सिलोना के फैंस से मैं पूछना चाहूंगा इधर कि भाई तुम लोग को लेजिट ऐसा लग रहा है डेफिनेटली कि Depay के अंदर और वो कॉन्फिडेंस रहा नहीं जो इनिशियल जब आया था वो कॉन्फिडेंस था उसके अंदर कि प्रॉब्ली टेक दैट टच एंड टेक दैट क्विक डिसीजन टू प्रॉब्ली मेक द नेक्स्ट मूव, इधर 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 शूट इनसाइड द बॉक्स और इधर कट बैक और इधर मेक द नेक्स्ट पास, बिकॉज राइट नाउ इज टेकिंग टू मेनी टचेस टू मेक दैट नेक्स्ट डिसीजन एंड इट सीम्स लाइक ही इज लैकिंग दैट कॉन्फिडेंस इन हिज हेड. डेफिनेटली कॉन्फिडेंस का सीन लगता है, Depay का सीन लगता है मुझे कि कुछ कर सकते नहीं क्योंकि बार्सा उसको ऑप्शन है नहीं, लाइक हु कैन रिप्लेस दिस लुक डाउन एग्जैक्टली, क्योंकि हर किसी को पता है कि Depay विंग पे अच्छा करेगा इन टर्म्स ऑफ, या तो जो बेंजेमा नहीं करता कि बेंजेमा स्ट्राइकर खेलता है बट अल्टीमेटली ही ड्रॉप्स डाउन टू द विंग्स रादर देन सेंट्रली, हमेशा विनीसियस कंबाइन करेगा फिर प्रॉपर वहां पे. Depay वैसा प्लेयर, Depay को बॉल मिलेगी वन वन में फाड़ देगा, क्रिएटिविटी देगा, सब कुछ करेगा, जब कोई है नहीं स्ट्राइकर जब तो देयर इज नो अदर ऑप्शन बेंच पे. एग्जैक्टली आई और अगर फाटी भी नहीं होगा टेलीपैथी के लिए सॉर्ट ऑफ लाइक ये वाली चीज मैंने बोले थी Depay का, देखो Depay आई थिंक वैसे सही बात है, लाइक बार्सा की बिगेस्ट प्रॉब्लम एट द मोमेंट इसकी हमारा कोई फ्रंट लाइक हमारे पास फाइनल थर्ड थ्रेट है, एक आउट एंड आउट लाइक बिगेस्ट प्रॉब्लम ही है. पोचर की बात पोचर भी नहीं, बस कोई थ्रेट, देयर शुड बी सम थ्रेट, लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि पोचर हो या स्ट्राइकर हो, देर इज मतलब Dembele को हटा दो, Dembele कितने मैच खेले, दो मैच खेले कितने 50 साल बाद Dembele मैच रेडी भी नहीं था सही बताऊं तो, हां जो वो तो छोड़ Dembele को निकाल के ये तो देख क्वेश्चन मार्क कभी जिंदगी भर रहेगा हमारी, भाई बहुत हर 50 साल में एक बार खेलते उससे क्या ही मैच रेडी एक्सपेक्ट करोगे भाई. ओए ओए Laporta कॉन्ट्रैक्ट दे भोजड़ी के, कॉन्ट्रैक्ट चाहिए मुझे बैलेंडर वाले, देयर इज नोबडी हु, मुझे मेरी मां को फीड करना है ये वाले, और जब तक तुम्हारे पास फाइनल थर्ड पे कोई है नहीं जो उनको पिन कर सकता है, बहुत कम, यू आर वेरी लिमिटेड भाई. अगेन इट्स नॉट अबाउट पिनिंग, कितने गोल्स पिछले पांच, पास एक डेफिनेट स्टाइल ऑफ प्ले हो, बार्सा के पास ऑफेंसिवली देयर इज नो डेफिनेट स्टाइल ऑफ प्ले, और अभी थोड़ा सा वो दिख रहा है ऑब्वियसली, और मिस्टेक्स भी काफी हो रही है, बट अगर फाती अभी फिट होता ना, लाइक शुरुआत से पांच गेम जो जावी की हुई है, आई थिंक इस गेम में काफी सेट पैटर्न दिख जाते, एटलीस्ट फाती और Depay की मूवमेंट कुछ ना कुछ तो दिख ही जाते भाई. ऐसा नहीं कि Depay बॉल लूज कर रहा है, Depay ड्रॉप कर रहा है, वो चीजें बना रहा है, ऐसी बात नहीं है, वो कोशिश कर रहा है यार, वो बट उसकी नहीं है भाई, ही इज नॉट दैट गाय, वो इतना रिजिड नहीं, ही इज टू रिजिड, एक ही मूवमेंट, यू आर नॉट दैट गाय पाल, यू आर नॉट सन सन मूव ऑन, ही इज नॉट द नंबर ही इज बेयरिंग, ही इज नॉट द नंबर ही इज बेयरिंग, नंबर 9 शिखर को, शिखर को वो बात है तो भाई ये करता था, ये क्या हुआ भाई, पोएटिकली बोल दिया है मतलब भाई, स्टैंड तो हुई भाई, Depay स्टैंड तो, मैं तेरे ट्विटर खोलूं, हां भाई मैं डिफेम करूं, Depay भाई भाई बहुत ही अजीब, पता है मैं लास्ट में देखो कहा था कि मतलब चीजें ऐसे पैरेलली चल रही बट एक साथ कंबाइन नहीं कर रही हमारे लिए, मतलब समझ रहे, अच्छी चीजें भी हो रही, बुरी चीजें साथ साथ हो रही, दिस यूरोपा जाना तो मतलब तू इस चीज को कैन यू मतलब डाइजेस्ट कर सकता है कि Xavi को अगर 5 मैच हुए एंड विद इन दोस 5 मैचेस मतलब उसने क्या-क्या एक्सपीरियंस कर लिया ऑलरेडी भाई. टेक्निकली सरखी बारखान डिड बेटर देन Xavi,
मतलब इन टर्म्स ऑफ जो रिजल्ट लाना था कि हाँ चैंपियंस लीग में हारा नहीं हुआ, एक गेम में जीत गए, जावी को ले अभी ये तो ये जॉब ले, उसने हार दिया बेनफिका वाली गेम में। भाई बेनफिका वाली गेम में हारा ना बेसिकली, बायर्न वाली गेम तो ऑब्वियसली नो कंपीट, बट बेनफिका 3-0 बेनफिका एट लिस्बन हारे हैं निर्मल बाबा क्यों दिखा रहे इसमें भाई, मेरे पैसे खत्म हो गए भाई, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब फिर से करना पड़ेगा, बट क्या कोई दो मिनट तक डेडलाइन करते हैं, वो कहते हैं रागने का 6 सेकंड रूल 6 सेकंड में प्रेस। हाँ भाई, मतलब बेसिकली द क्वेश्चन इज, एंड मुझे पता है क्वेश्चन का आंसर दूसरे सेगमेंट में कंटिन्यू होगा, जो मैं इसको मिक्स करके डाल दूंगा, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। डू यू थिंक जावी गॉट इट रॉन्ग, या फिर इफ नॉट जावी गॉट इट रॉन्ग, ऐसा क्या तुझे फीलिंग देती है तुम दोनों को, या फिर हर किसी को ऑब्वियसली, कि what about Javi comforts you ki ha he is the right man, kyunki at the end of the day he is nobody as a football manager, who is he, like usne aisa kuch nahi kara, and technically usne like obviously tried something new but nahi aaye results, and to be straightly put maybe ek other man, you know, you never know obviously, but again kya halka sa doubt aata hai in terms of that, aur ye bilkul clear hai ki ha yahi banda hai, but the thing is ki it's the same ya fir yahi option hai aur koi hai nahi, banda yahi nahi, option to bahut hai bhai, option to dheere dheere free ho rahe hain। I still remember ki 2016 mein Klopp Liverpool aaya tha, and even Liverpool ke jo fans the us time pe, they had their doubts over Klopp, usne results aate hue matlab dheere dheere usne kare the, uske paas squad bahut bekar thi, and I can totally relate to that abhi is point pe bilkul, and but they stick to him, and इतना नहीं उसने मतलब considering जो squad उनके पास है, जितना competition Premier League में है, and alongside Champions League में deliver करना, he took I guess 2.5 years, 2.5 or 3 years to land a Champions League there। अपने पहले year में event Europa League final, right? If I'm not wrong। Yeah, yeah। तो proper Javi has to do that। मतलब अगर मतलब इस टीम तो लंड थी, Alberto Moreno था भाई। हाँ, Alberto Moreno था भाई। हमारी team में ऐसा है तो। अल्बर्टो मोरेनो अभी बार्सिलोना में स्टार्ट करेगा। और कौन था डिफेंडर भाई? स्कटल। अच्छा भाई वो था वो कलुआ जो क्रिस्टल पैलेस में अभी, वो अरे कौन है यार वो सेंटर बैक, सेंटर बैक, सेंटर बैक, सेंटर बैक। हाँ मामूडू साको था वो, नथानियल ब्लाइन उनका राइट बैक। देखा कोनाटे का इंटरव्यू, इब्राहिम कोनाटे ने एक इंटरव्यू दिया, बोला कि माय आइडल इज मामाडू कसाको। फ्रेंचेस में कुछ होगा भाई, फ्रेंचेस एटपीएस भी मामाडू कसाको। गजब भाई, कोनाटे उन कर रखे उस भी आएंगे, मतलब अब आई थिंक हमको दूसरे सेगमेंट कंटिन्यू करने का पड़ेगा, बेंच मेरे पैसे खत्म हो रहे हैं। हाफ टाइम ऐसा क्यों यार, हाफ टाइम मच नीड टीम टॉक। आई लेजिट थॉट, पता है कि Zoom का वो ऑटोमेटेड साउंड है हाफ टाइम वाला। तुमको फिर से लिंक देता हूँ, ये बिल्कुल रॉ सब ये पर रहेगा, बहन चोद वेट करो सर। वही क्रेजी, अरे फिर से आ गए तुम, तुम फिर से आ गए। Damn bro, I didn't care। मैं क्वेश्चन मेरा क्या था, मुझे समझ भाई, पहली बात तो क्योंकि मुझे पता है मुझे क्वेश्चन काफी पूछा गया था, एंड मुझे पता नहीं हाउ डिड आई फेल्ट अबाउट इट जब हजार्ड हंस रहा था आफ्टर मैड्रिड गॉट नॉक्ड आउट चेल्सी के अगेंस्ट, राइट? हाउ डू यू रिएक्ट व्हेन लॉन्गली हंस रहा था? आई नो बहुत ही चेंगी तो ऐसा क्वेश्चन है। मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा कि लॉन्गले भाई वो हंस, भाई देख इसमें लगानी पड़ेगी, भाई वो कुछ ज्यादा खुश था, मैं नहीं कर रहा था यार, वो देख कोई एक बहुत ही स्पोर्टिंग ऐसे था, वैसे मतलब प्रमोट कर रहे हैं कि हाँ भाईचारा, भाई एक्शन उठ जा भाई, ऐसा लग रहा है कि जीता लॉन्गले, ऐसा लग रहा है लॉन्गले जीता है, कुछ ज्यादा खुशी मना ली, ज्यादा खुश है भाई वो तो। पर बात ऐसी है कि देख अगर मैं ये वाली चीज हटा भी तो स्पोर्ट्समैनशिप में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो इतना चूतिया खेला ऑन द फील्ड, तो मेरे को लगता है दिस इज अ वेरी बैड ट्रेट पर्सनली। लाइक अब विनायक को मैंने एक्सपीरियंस, तूने विनायक तो नहीं करा, नहीं मैं था, आई गेट यू, नहीं नहीं हम फुटबॉल जो हमारा पूरा जो दिल्ली की लीग चल रही थी, हमें गेम में पिटे
गंदी तरह, ठीक है, गंदी तरह, लाइक बहुत बुरी तरह, ठीक है। हाँ तुम 6-0 पिटे थे। ये बता देगा भाई, ये बता देगा। नहीं कोई नहीं, 6-0 निकाल भाई से, निकाल, शिखर आउट। नहीं हम गेम में पिटे, ठीक है, 6-0 पिटे भाई। हमारे जो डिफेंडर था उसने भाई डिप्रेस हो गया था, अरे दिल्ली का डिफेंडर है, उसने उसके दोस्त था ऑपोजिशन टीम में, बट इट डिडंट इवन लाइक कुछ नहीं करा, एंड आई नोटिस दैट। How the fuck can you do that? I know it, but we weird a little bit. अगर मैं जावी बोल रहा हूँ, एक weird तो बहुत है। मतलब weird ऐसा है कि मतलब मुझे problem, मतलब अगर तू long lane की कैसे बोले तो मुझे problem इससे नहीं है कि long lane ने ये सब किया, ठीक है, ये बहुत ही, this is secondary asset. पहला asset तो obviously वो चूतिया खेला तो उसको भगाओ। लेकिन तू जो बात कह रहा है कि who was the worst among the three center backs? PK भाई, PK भाई, भाई PK. जो बंदे होते की एयरपोर्ट में खिड़की वाली सीट लूंगा उसको हमेशा बेस्ट व्यू चाहिए। नो डिसरिस्पेक्ट, ही हैज हैड मतलब क्रेजी करियर, डेफिनेटली बारसा की गलतियां आई एडमिटेड, बट अब आई थिंक अगर बारसा नहीं कर पा रही ना, मे बी पीके शुड बीट हिमसेल्फ, लाइक से कि भाई दिस इज नॉट व्हाट आई शुड बी प्लेइंग, मतलब मैं भाई दिस इज नॉट द लेवल, दिस इज एवरेज। मैंने उसको बोलना चाहिए भाई मैंने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की है, चलो अभी मैं प्रेसिडेंट बनता हूं तो मुझे प्रेसिडेंट बना दो। वो तो आई नो भाई, ही इज अ इंटेलिजेंट गाय, बट बिकॉज़ ही लेफ्ट द नेशनल टीम, राइट, उसने नेशनल टीम से रिटायरमेंट ले ली जस्ट बिकॉज़ वो बारसा में फोकस करेगा, एंड वो इतना इस पे फोकस था भाई। उसकी इंजरीज भी तो कितनी होगी, एक ही नी पे एसी वो पढ़ता रहता है, उसके पांव पे लगती रहती है, वो हैवी इंजरी झेलता रहता है, लिटरली 3-3 दिन में रिलैप्स लेते हुए वापस रिटर्न करता है, मतलब इट हर्ट्स भाई एट दिस पॉइंट। अरे क्योंकि ऑप्शन नहीं है ना, मतलब उसको बस हल्का सा हुआ कि यार मैं अल्बा यार बहुत दिमाग में कोमन बोल रहा हूँ, अल्बा भैंस मेरी गांड में घुसा पड़ा, टाइम दे नहीं रहा, मैं बिल्कुल रेडी हूँ, मैं रेडी हूँ, रेडी हूँ। अल्बा वेंट ऑफ, एक न्यू बंदा आया मिंगेजा, कोमन रेडी था भाई, कोमन ने तो भाई अब मिंगेजा को मिला भी तो कोमन ना। कोमन आई थिंक ब्रो, कोमन इज व्हाट उस्मान देमबेले, कोमन इज बेटर देन उस्मान देमबेले। अबे अभी तो कोई कम भाई, कोमन व्हेन फुली फिट लाइक फुल फ्लो में, ही इज वन ऑफ द बेस्ट वाइड प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, लाइक नो कम। एंड हैव यू नोटिस्ड कि बोथ कोमन इज अ डिफरेंट गाय ऑल टुगेदर नाउ। भाई मतलब वो फ्लैग, वो फ्लैग में तो करने वाला है अगेंस्ट बायर्न। अबे नहीं नहीं बायर्न बढ़िया खेले, वे डिफीटेड अस एंड नहीं भाई, बट सन भाई एक सिंपल चीज, अगर एक पता है, एक मैं नागलसन का ट्रेनिंग सेशन देख रहा था, एंड पता है गेम के 15 मिनट में शुरुआत बीच में एक ऐसा मोमेंट आया था, दिवना थॉट कि ये तो भाई सेम चीज हो रही है, मतलब बायर्न पता है उनका, तुम देखोगे ट्रेनिंग सेशन वो 4 मैनिकिन लगाते हैं पिच पे, और हमेशा उनकी ये होती है कि ऑफसाइड रन, रन रन निकाले, रन निकाले, हमेशा उनकी शोल्डर पर मैनिकिन की एक ड्रॉप मूवमेंट दो एंड रन निकाल, मतलब बी स्टिल एंड मेक रन, बी स्टिल एंड मेक रन, वो तो हो ही रहा था ऑब्वियसली, बट उसके एक मेन प्रिंसिपल होता है कि ऑलवेज फाइंड अ प्लस वन, हमेशा एक एक्स्ट्रा गाय फाइंड कर मिडफील्ड में या फिर कहीं भी जो स्विच अलाउ करे विंग बैक के पास, इन द एंड गेस हु वाज द प्लस वन फॉर बायर्न, उपामेकानो वाज प्लेइंग मिडफील्डर एक टाइम पे, वो इतनी आगे आया था ब्रो, बायर्न ओन्ड लाइक, और ये कुछ नई बात नहीं, बाय हमेशा करती है, हमेशा सेम काम सूले भाई, भाई उपामेकानो के बॉल डिस्ट्रीब्यूशन, उपामेकानो के बॉल डिस्ट्रीब्यूशन स्किल्स आर वेरी अंडररेटेड, वेरी वेरी अंडररेटेड भाई, हिज बॉल डिस्ट्रीब्यूशन स्किल्स आर नेक्स्ट लेवल, द मतलब उसके पासेस इतने बार ब्रेक किए ने लाइंस, इतने बार, मतलब एंड अ सेंटर बैक डूइंग दैट इज अमेजिंग, लाइक ब्रेकिंग द लाइंस वाले पासेस अ सेंटर बैक डूइंग दैट इज रियली गुड, लाइक यू हैव लाइक अ जेम विद यू,
definitely. And I really love that duel between Gavi and Jamal Musiala. कभी कभी जो हो रहा था थोड़ी लड़ाई बड़ी तो sort of मतलब and Musiala again मतलब हम कुछ भाई बायन तो बोल ही नहीं सकते भाई भाई मुजियाला भाई बायन को छोड़ रहे मुजियाला ही इज लाइक द ऑड वन आउट वहां पे हर कोई बल्कि है वो मरा पड़े भाई सबसे भाई सबसे बढ़िया वो बहुत फार था भाई पर ड्रिबलिंग शोल्डर ड्रॉप शोल्डर फेंट्स एग्जैक्टली भाई वो क्रेजी बॉडी मैकेनिक्स नेक्स्ट लेवल भाई नेक्स्ट लेवल भाई हील भी अ क्रेजी प्लेयर लाइक साने नाब्री सब भाई इज अ क्रेजी प्लेयर हाउ कैन यू स्टार्ट इन अ टीम And he's a winger. पहली बात, he was a number 10 and he has played every position now. तुम देखो, he's played a right wing back जहाँ पे Coman खेल चुका है. I think he played against Barcelona of Camp Nou में left wing back या right wing back, if I'm not wrong. ऐसा कुछ. Wing back तो नहीं, winger. तो थोड़ा wide player बिल्कुल wide. Wide खेला था, wide खेला था वो. It's insane भाई, it's insane. भाई Bayern is शिखर, शिखर तो बस pray करे कि जल्दी Madrid को Bayern मिल जाए. नहीं भाई. क्यों नहीं भाई? शिखर Champions देखेगा तू Champions League? अच्छा Chelsea है तो. चेल्सी क्या मतलब हाँ चैंपियंस लीग तो देखूंगा ओवरऑल सेकंड में कर देते चेल्सी पे आए थे यू नो शिखर का थोड़ा शिखर तो को फर्क पड़ता है चेल्सी से नहीं पड़ता लड़ा नहीं पड़ता बट द मेन इंटरेस्टिंग पॉइंट इज भाई चेल्सी मेरी ओपिनियन है मैं इधर फिर से पूछना चाहूंगा मेरी ओपिनियन है आई हैड अ लॉट ऑफ डिफरेंट वियर्ड फीलिंग्स अबाउट रीस जेम्स प्लेइंग मिडफील्ड में आई नो कि वो वहां पे परसिस्ट नहीं करेगा क्योंकि वो विंग बैक ही है एंड वो वहीं पे खेलेगा तू के ने क्लियर कर दिया था बट मुझे मैं बहुत डाउट में था क्योंकि हमेशा एक मेरे मिडफील्डर मतलब एक मिडफील्डर की इमेज मेरे दिमाग में है कि ही इज ऑलवेज जॉगिंग हमेशा मूव कर रहा है स्कैनिंग स्कैनिंग एंड देन झपट्टा मार रहा है प्रॉपर रीस जेम्स इज वॉकिंग या ही वाज एंड हेंस आई थॉट ही वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ चेल्सी आई एम सो द थिंग इज इफ यू लुक एट आवर गेम रीस जेम्स वाजंट द हाईलाइट ऑफ एनीथिंग ऑन द पिच Like didn't highlight anything on the pitch. Definitely. And sometimes that is something that you want from your player because you don't want your player to be the primary highlight because agar wo nahi hai aur game sahi chal raha hai to matlab wo player ka contribution bahut acha hai right. kyunki agar wo midfield mein waisa player agar tumko mil gaya to wo player ka contribution acha hai kyunki he is doing the basic things correctly and Reece James was doing the basic things correctly now what my problem was ki Reece James ka jo primary benefit hai of having Reece James in the playing 11 in that position you can't use it that is his crossing ability theek hai you can't use it theek hai and this is something that was not happening and isliye probably I won't say isliye like that's an overstatement but I'm saying ki I would have liked that to happen from our wing backs a little bit more probably why Lukaku was thoda cutting a frustrated figure for the first in the first half for that particular reason because none of the wing backs were actually getting those dangerous balls in nor neither was Saul nor was Callum Hudson-Odoi theek hai so ye cheez ek thi to मेरे लिए रीस जेम्स का उधर खेलना वाज ओनली बिकॉज़ द फैक्ट कि रूबन लॉफ्टस चीक गॉट इंजर्ड इन द बिल्ड अप ठीक है दैट इज क्लियर अगेन रीस जेम्स हाउ परसिस्ट नहीं करेगा बट रीस जेम्स वाज गुड बट वो अच्छा भी नहीं था ऐसा लगा मुझे मतलब ऐसा था कि हां मेरा भी था मेरा था कि लाइक मेरे को ऐसा नहीं लगा कि कुछ अच्छा हां हां एग्जैक्टली लाइक मैं कहूं कि अच्छा मतलब ठीक है ब्रो पोजीशन ही वाज ऑलवेज इन ऑन पॉइंट He was in the correct position. मैंने वही बोला ना, he was in the correct position. He was in the right position at the right time. He did the basics right, but that is it. Like उससे ज़्यादा उसके कुछ किया। अगर मैं थोड़ा numbers हैं, उसके हमेशा उसके final third passes were the most. हाँ. Despite of not him being इतना visible. He हाँ. And one thing. हाँ, he's always very vertical, right? He's a very vertical player. Like he's generally a very vertical player. He was school of thought से वो आया कि तुम you whenever you see Reece James in a wing back position as well, he'll rarely pass back. He'll either make those driving runs and when he's in the final third or when he's in that zone, then probably he'll make a small back pass to a person who's not very far away from the box. Right. So that is something that he will do, but he's generally a very vertical player, and वो हमको इस game में भी देखने को मिला. Lineup में कहता हूँ बोला Saul खेलेगा midfield में, Reece James wing back. नहीं नहीं. वो तो मैं lineup के time पे मैंने बोल दिया था कि Saul is definitely playing wing back. हाँ, obviously he's played Atletico wing back. हाँ. But I thought अगर एक game को sum up कर रही हो ना, and Tuchel obviously summed up उसको हर चीज पता है team के बारे में. It was like कि अगेन कॉन्सेंट्रेशन था वो सब बकचोदी कैलम हडसन-ओडोई विदाउट द बॉल वाज बैड ही इज जनरली बैड
जब हम लेके आए थे कैलम हडसन ओडॉय को फॉर अलोंसो ही खेला था लास्ट गेम तो इन दैट गेम व्हेन कैलम हडसन ओडॉय वाज ब्रॉट इन वी वर एक्सपोज सो मच इन दैट फ्लैंक बिकॉज कैलम हडसन ओडॉय वाजंट रेडी टू ट्रैक बैक दैट मच when he was brought in as a wing back again uski flank mein usually kante hota hai ha but na, right now I'm talking about left wing back theek hai right bhai par us game mein different tha bhai tab west ham was on chelsea like tab chelsea were sort of chasing the game state na yaar kya baat kar rahe na na we were preserving the lead jab 2 all tha tab aaya tha but when 3-2 jab ho gaya it looked ye kafi interesting hai interesting kya matlab this is West Ham एक ही चीज करती है West Ham is a very simple team. एक ही चीज Mikel Antonio बिल्कुल वाइड जाएगा थॉमस सुचेक बॉक्स में एग्जैक्टली हां Mikel Antonio वाइड जाता है हडसन ओडॉय की फ्लैंक में और वहां से बॉल आती है तो इट लुक्स लाइक कि हो ये साइड एक्सप्लॉइट हो रही है बट इट्स द टाइमिंग ऑफ Mikel Antonio की रन की उस पर मास्टर कर चुका डेविड मूज़ यू मास्टर द बेसिक थिंग्स उसने एक फ्लैंक टारगेट करी बट इट्स द सेम थिंग दैट हैपेंस विद कैलम हडसन ओडॉय इन एवरी गेम व्हेन ही इज प्लेइंग विंग बैक इट्स अ ड्रास्टिक बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस तुमको देखने को मिलेगा व्हेन ही इज प्लेइंग एज अ विंगर एंड व्हेन ही इज प्लेइंग एज अ विंग बैक व्हेन ही इज प्लेइंग एज अ विंगर ही विल ट्रैक बैक टिल द मिडफील्ड और जस्ट बिहाइंड दैट मिडफील्ड इन दैट डिफेंसिव हॉरिजॉन्टल वाला जो एरिया है इन दैट डिफेंसिव मिडफील्ड हॉरिजॉन्टल वाला एरिया ही विल ट्रैक द बैक टिल देयर ठीक है he'll track back till there but the and track if... back की problem नहीं है like 90% of the wingers in the world full back जितना track back कर सकते हैं Dembele full back खेले है Barcelona के लिए कुछ games it's not a problem कि वो track back नहीं कर सकते problem ये कि हर कोई space management same तरीके से नहीं करता defender manages space differently और winger को manage नहीं करने ना winger has to exploit उनका दिमाग में होते space मिले डाल exactly उस type का mentality तो वो expect करना I think is very wrong like obviously it's very wrong from him because obviously he's brought up जैसे स्कूल ऑफ थॉट वाली बात हो रही थी ना रीजन के लिए ठीक है तो स्कूल ऑफ थॉट वाली बात इसके लिए भी हम वही चीज बोल सकते हैं कि ही वो जो जैसे फुटबॉलिंग स्कूल ऑफ थॉट से आया कि भाई हम एक्सप्लॉइट करेंगे स्पेसेस को जैसे तू बोला ना एक्सप्लॉइट करेंगे स्पेसेस को रादर देन प्रिजर्विंग दो स्पेसेस इन द डिफेंसिव हाफ ठीक है तुम्हारा अटेंशन थ्रू आउट रहा है कि टू एक्सप्लॉइट दो स्पेसेस इन द ऑपोजिशन हाफ रादर देन टू डिफेंड दो स्पेसेस इन द इन योर ओन हाफ ठीक है तो दिस इज समथिंग दैट इज द प्रॉब्लम विद कैलम हडसन-ओडॉय राइट नाउ एंड ही इज नॉट बीन एबल टू अडैप्ट वेरी क्विकली टू दैट ठीक है तो वो चीज है बट आई विल नॉट गिव द होल आई विल नॉट गिव द मतलब सेकंड रीजन मैं पता है हडसन-ओडॉय को मैं क्यों डिफेंड कर रहा हूं ओनली रीजन है कि ही हैज बीन ब्रिलियंट दिस सीजन जब उसे वहां पे अटैक करना है एग्जैक्टली आई डोंट सी एनी पॉइंट कि व्हाई यू आर फोर्सिंग हिम समवेयर जहां पे अच्छा नहीं है और ऊपर से इतनी बेकार परफॉर्मेंसेस थी मलंग सार क्रिश्चियनसन इवन मिडफील्ड भी कोई बहुत अच्छा नहीं बार के बहुत अच्छा नहीं था लुकाकू वाजंट वेरी इन्वॉल्वड मतलब as an overall bekari performance sort of chelsea the it thing is I will disagree with the lukaku wala point because lukaku yes did have some मतलब moments where he just seemed like तुम्हारे पास building में जैसा ball नहीं रहता ball के against तुम ball मारते होते हो ball वापस आएगी तुमको ठीक है वो वैसे ही लग रहा था कुछ कुछ moments में that is there ठीक है हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि वैसे ही चीज लग रही थी either he will give you the ball और either वो ball वो lose करके तुम्हारे पास वापस ball आएगी ठीक है या कोई opposition player के पास ball जाएगी ठीक है तो वैसा चीज वो लग रहा था but there were times there were at least 4 or 5 passes from Mason Mount which led to some good combinations with Romelu Lukaku theek hai and that understanding between Mason Mount and Romelu Lukaku was to some extent very encouraging because there was even one clear cut chance made by Romelu Lukaku inside the box to Mason Mount jo bahut close quarters mein keeper ne save kiya tha जो उसने पास किया था और टू दी फार पोस्ट और कीपर ने उसमें सेव किया था एंड इवन इफ यू लुक एट दैट वर्नर का जो वर्नर ने जो उसको ले ऑफ किया था स्क्वायर किया था बॉल उस टाइम पे भी लुकाकू की अगर मूवमेंट देखी जाए तो द थिंग इज देयर इज वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू से इज लुकाकू को तुम आई डोंट थिंक सो वी आर स्टिल यूटिलाइजिंग लुकाकू इन द करेक्ट मैनर because I think we are going back to one year before he was in Inter Milan Lukaku is surrounded by
इनसाइड विंगर्स मतलब ही सराउंडेड बाय इनसाइड फॉरवर्ड्स पता मैं क्या मेरी क्या वन थिंग व्हिच आई नोटिस नहीं मैं इस पे काम करता हूं लुकाकू वाले सीन पे आज टू डिफेंड लुकाकू इज वेरी इजी टू डिफेंड लुकाकू यू जस्ट हैव टू वॉच पाब्लो मारी वर्सेस लुकाकू सिंपल कि दैट्स व्हाट यू डोंट हैव टू डू तुमको लंड नहीं पकड़ना बेसिकली दैट्स व्हाट जस्ट डोंट लेट हिम स्पिन अवे सिंपल नहीं वो तो है ही बट डोंट ट्राई टू उस पे नहीं स्पिन अवे कैसे सर हाँ मतलब वही है मतलब स्ट्राइकर एवर वो जो अरे एक ही चीज है भाई लुकाकू की वो एक हाथ पीछे करेगा जहाँ पे हार्ट टच होता है ना उधर तुम रहो तो गेम खत्म है हाँ उधर तुम अगर रह लिए ना इफ ही फील्स यू देन यू आर गॉन बट द वन थिंग व्हिच एवरी टीम डज नाउ जितना मैं देखा दे कैंसिल आउट लुकाकू एक मिडफील्डर उसके हमेशा सामने खड़े रहेगा लुकाकू पे बहुत टचेस ही इज वेरी टेकिंग वेरी लेस टचेस इवन लेवेंडोवस्की वाला जो पॉइंट था बायर्न वाली गेम में लेवेंडोवस्की आल्सो टुक लेवेंडोवस्की थोड़ा ऑफ डे था टेक्निकल तुम देखो तो लाइक ही डिडंट वाज इतना इन्वॉल्व नहीं था देयर वाज कुछ कुछ मोमेंट्स ही थे बट स्टिल वो लाइक उसकी वर्सटिलिटी इतने स्पेसेस की मूवमेंट की वो हर जगह उसने जो जो डेविस वाला गोल है जब डेविस ने क्रॉस रहा था उसके लिए कौन था मुसियाला के लिए वो डैकल बॉल उसने डाली थी लेवेंडोवस्की ने इतनी डीप एरिया से लेवेंडोवस्की इतना इन्वॉल्व है हर चीज लुकाकू गेम रीड करना इज इजी दो जो उसका सीन है उस पर तो ऑब्वियसली यू कांट बीट हिम जो उसका वो सीन आ गया एंड देन रीजन में विंग बैक निकलेंगे एंड जो विंगर्स है पहली बात तो they're too close to him mostly and again too close to him hamesha square pass hamesha back pass koi bhi uske flick pe nikalta hi nahi bhai main winger to main dekha nahi ki havertz nikal raha hai fir team over pe itna kaam ban nahi paya kyunki itna khel nahi sake ek sath woh bakchudi lukaku sir ko kya lagta hai that's it one of the big reasons i also think is ki ek to chelsea ek generally expect kar rahi hai ki somebody who will attack crosses aur uska throughout the career he has wo aisa player rahi nahi hai jo at crosses attack karega he'll win you aerial duels pehle matlab जब तक बॉक्स में नहीं पहुंच जाता he'll win you aerial duels आराम से पर जब he is not like रोनाल्डो पहले नहीं जीतता पर रोनाल्डो बाद में जीतता like जब पेनल्टी बॉक्स में जाता he'll win every aerial duel उससे पहले नहीं जीतता लुकाकू उल्टा है like लुकाकू will win ahead of you पर जब उसको अंदर पेनल्टी बॉक्स में करना है he won't तो वो तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यू कैन क्रॉस कर सकते हो भाई तो अरे द थिंग इज हां और आई विल कंटिन्यू ही विल वर्क ओनली जब ही वर्क करेगा व्हेन ही विल हैव प्लेयर्स क्लोज टू हिम जैसे तब होता था लोचारो वगैरह होते थे एकदम बिल्कुल टेलीपैथिक तो हां मैं वही बोलने वाला था इट वाज सिंपल देयर वाज दिस बढ़िया ट्रिगर कि हकीमी लुका के पास बॉल आई तो निकल जा simple that's it that's and I don't think so that is with the consistency of regimes or lukaku find kar paaye is time pe kyunki if you look regimes is not playing a wing back he's playing inside underlapping winger jo kya underlapping winger but the thing is with lukaku they are again utilizing him as a target man theek hai they are again utilizing him as a sorry not they we are again utilizing him as a target man theek hai which is kind of unnerving because you can't do it regularly because when Manchester United did it regularly you saw what happened it's not his strength wo khud interview mein bola hai usne khud interview mein bola hai it is not his strength that right. is not how he wants to play plus he play the ball to his feet aur fir ha combine ha play aisi kaun si team hai european team jisme ek bahut tagda number 9 hai like focal point zenit ka zuba अबे नहीं यूरोपियन बढ़िया टीम हां इब्रा इज दैट फोकल पॉइंट मिलान तो भारत ना मिलान तो यूरोप का क्लब भी नहीं है बट लेवेंडोव्स्की में इब्रा का रोल काफी क्लियर दिखता है लेवेंडोव्स्की क्या बात कर रहा है भाई नो कंपैरिजन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि लुकाकू इज द मोस्ट इमोबाइल स्ट्राइकर यू कुड सी ही इज वेरी इमोबाइल इतना कुछ ऑफर करता है नहीं बस एक ही मूवमेंट ऑफर करता है अगर देखा जाए तो और वो इसकी बेस्ट है लाइक इतना पर इंटर में बहुत इन्वॉल्वड था इंटर बहुत इन्वॉल्वड था बिकॉज़ दे प्लेड अ वेरी सिंपल गेम he had the license to roam in that right half space a lot more than the license that he has got in Chelsea right theek hai because right pe you already have players like Reece James or a Hakim Ziyech whenever he starts theek hai wo overload wo already udhar dikhta hai to agar ye bhi idhar drift kar gaya to hamara center mein agar Timo bhi aa gaya left se to bhai matlab bahut
खाली हो जाएंगे भाई हम लेफ्ट। और याद है मेरे पॉडकास्ट पे जब बाबा के साथ गया था हमने इसी की बात कर रहे थे लुकाकू की, और जो बात थी कि सीलिंग रेजर है या फ्लोर रेजर है, और मेरे को लगता है कि ये सॉर्ट ऑफ सम अप करेगी कि जब तक चेल्सी अपने बेस्ट पे नहीं होगी ना, लाइक एट देयर एब्सोल्यूट बेस्ट, लुकाकू वोंट लुक गुड क्योंकि ही इज नॉट समबडी हु इज रेजिंग चेल्सी इज फ्लोर। अच्छा दिस इज योर जनरल लेवल, मैं इसको बढ़ा नहीं, वो उसको नहीं बढ़ाया, वो तुम्हारे बेस्ट को और बेटर कर देगा, लाइक ये तुम्हारा बेस्ट है, ही विल टेक इट अ स्टेप फर्दर कि अच्छा तुम right. बेस्ट ये भी कर। पोग्बा सिंड्रोम, लाइक इवन पोग्बा एग्जैक्टली एग्जैक्टली पोग्बा भी है यार, वो शायद जनरल लेवल उतना ना बढ़ाए लेकिन तुम्हारे बेस्ट बढ़ा देगा, कंपेयर टू लाइक हैजार्ड, हैजार्ड इनका जनरल लेवल बढ़ा रहा था, लाइक ये इस टीम की नहीं थे, इस लेवल की टीम नहीं थी चेल्सी तब, लेकिन ही वाज मेकिंग देम लुक बेटर, लाइक अच्छा तुम ये नहीं हो तो हो सकता है वो बेस्ट पे शायद हैजार्ड नहीं होता कि बेस्ट, अगर चेल्सी आए at their absolute best, Hazard might not improve them. But like, Hazard will be good, मैं कह रहा हूँ, Hazard might not improve them. एक counter argument हो गया विनायक उधर, वो ये scene है कि you also need to look at the position that Hazard was playing in, ना कि why he made the whole team look good, because you need to understand the position that he was also playing in. आप position भी, पर मैं कह रहा हूँ कि मतलब if to, for Chelsea to find the solution is to play their best, like they have, तुम ये मत expect करो कि कुछ you can change some things like tinker with certain patterns or Lukaku will look good, you have to be your best or phir Lukaku will look good, like main Rudy Guru maine ball receive kari kyunki I think main iski baat samajh jata agar main 5 saal pehle football dekh raha tha, football has changed, you can't play for one player ki wo karega, like you can't, he has to involve Chelsea ke bache 10 men ko aisa khelna hai ki Lukaku nahi but unke bache 10 men it's very easy to read them because the focal point is very visible, so he makes that team predictable, camouflage mein khelna padega, he makes that team like it's invisible. Even I think West Ham ke against when Lukaku came, I thought the Chelsea became worse, so I believe ki Lukaku makes Chelsea worse. क्योंकि आई थिंक सब ये वो जो चेल्सी में प्लेयर्स वर्नर कितना फर्क था, दे रिकॉग्नाइज, आई थॉट वर्नर वाज गुड, वर्नर वाज वेरी गुड, शुरुआत से वेरी गुड, सबसे आया तब से बढ़िया है, अबे नहीं बट उसका गोल लाइक इट लुक लाइक कि वाओ, लाइक दैट्स अ लाइप्ज़िग वर्नर मैं सॉ कि वाओ भाई पोजीशनिंग एंड देन भाई उससे पहले पुलिसिक ने क्या करा था उस गोल से पहले, टक 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 भाई, हां भाई वो वन टच का कॉम्बिनेशन भाई बहुत सुंदर था भाई, वो कॉम्बिनेशन टू वर्नर्स गोल दैट दैट कॉम्बिनेशन इज ब्यूटीफुल, मतलब मैंने बोला अरे पुलिसिक चले बाप रे बाप, माउंट का पुलिसिक था दो गोल मारे, दो गोल मारे भाई, दो टैपी वर्नर भाई उधर से भी लुकाकू का जब गोल गया ना वो फर्स्ट टच देख रहा है लुकाकू अरे मैंने बाप रे बाप, मेरे को भी लगा, बिल्कुल नहीं क्या फर्स्ट टच, मुझे फेस पर यू एज अ मर्डर्ड फैन ऑब्वियसली भाई, मतलब ऐसी बात नहीं, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ चेल्सी, डेफिनेटली नॉट, इट्स वन ऑफ द वर्स्ट टीम्स आउट ऑफ द थ्री टीम्स, बेस्ट टीम प्रीमियर लीग में, दे बट देयर वाज द लिवरपूल एंड मैन सिटी, नो डाउट, पर ये दिस इज नॉट अ लाइक पर ये ऐसी चीज नहीं, लाइक इट्स नॉट इवन डेरोगेटरी एट दिस पॉइंट, लाइक लिवरपूल और सिटी एज इट आर सच रिडिकुलस लेवल्स की अगर समबडी सेइंग कि दैट यू आर थर्ड ऑफ दिस गाइस तो बोला अच्छा ठीक है फेयर इनफ, हां दिल से कुछ पूरा बुरा नहीं लग रहा है दिस बैक, यू आर स्टिल आदि से तो लगना चाहिए आपको पूरा यार, क्या बात कर रहे हो यार, लेगा जो चेक बेस्ट यार, तीनों में क्या बात कर रहे हो, मैन सिटी जैकेट गोल नहीं पूरा, इन द सेंस कि लाइक सॉर्ट ऑफ अभी जो रन ऑफ फॉर्म है, नॉट इन टर्म्स ऑफ, हां एग्जैक्टली रन ऑफ फॉर्म नहीं हो सकता, ऑब्वियसली रन ऑफ अभी फोड़ दे, ऑब्वियसली एट देयर पीक मेरे ख्याल से अभी अगर जितनी टीम्स है चेल्सी लिवरपूल और मैन सिटी उनमें अगर एकदम तीनों टीम अगर अपने फुल पीक पे है ना तो मेरे ख्याल से चेल्सी इज फर्स्ट और एट बेस्ट सेकंड, एट वर्स्ट सेकंड, एंड आई थिंक ये थोड़ा डर मेरे अंदर था बिकॉज़
I knew that we were participating in so many tournaments, in so many cups, and game management is something that we have been very bad at this season. Theek hai, to be absolutely honest with you guys, game management and even player management to that extent, because yaar, hum char game pehle hi hum pura, I don't think so. There are too many players in that 11 whom I can say that they are not looking fatigued. Theek hai, we are a fatigued side. Whenever we put out 11, it's not like we have 100% fit players ko hum, we are putting them out. But I guess this sort of the counterpoint is ki, again, I'm talking about a club jo Chelsea ko face kar sakta, Madrid, same 11 all the time. All the time, same 11. How are they not fatigued? That's what I'm saying. I'm not denying that. I'm saying they are also... How are Chelsea fatigued? But the thing is, we have never... I don't think so. We have this batch of players has played a stretch of games at this particular... I'll give you an example. Lukaku and Timo Werner were injured at almost the same time. In came Kai Havertz. Kai Havertz played 4 games in the span of 1 week. 3 games in the span of 1 week. 3 games. Continuous start, 3 games in the span of 1 week. Uske baad 1 week, next week, wapas aaya. Phir wo next week ka first game, Kai Havertz hi khela. Because tab tak Romelu Lukaku was not fit. So that is one. When you arrive on the wingers as well, we didn't have Timo Werner. Hakim Ziyech almost started every 3 games. Basically, inconsistency in the Chelsea lineup. You have not been able to, if not fatigue word, certain pattern set nahi ho paya. Like fatigue bhi hai kyunki Kai Havertz abhi aata hai na bhai. There is no confidence in my head ki Kai Havertz is going to perform. But again, it's about ki tumhe proper ek season, like you plan a season, right? Har ek manager ka ek aisa time aata hai when the best teams, jo I think ye kafi common point hai, jo bhi team league jeete na, if you look at the rotations, they do the least rotations. Winning teams are the most set teams. Like, unki itne changes nahi hote. But City must rotations karti hai. Obviously, we have. But again, like City, to har match mein, I mean, talking the Premier League, like it's very, like even very visible ki Premier League mein what they're about to do. If not, har kisi ko pata ki same style hai, same bakchodi hai. क्योंकि उन्होंने प्लेयर्स को पेप गार्डियोला ने इतनी अच्छी तरह स्काउटिंग कर रखी है फ्रॉम सेट पॉइंट कि हाँ यही है. ज़िनचेंको नहीं तो कैंसिलो, वो नहीं, सब सबके एक दूसरे के लाइक ही है भाई, सब भाई भाई है, और क्या कोई कोई डिफरेंस इतना सारा ऑफर कर रहा है. अगर फॉर एग्जांपल कौन है, गैब्रियल जीसस नहीं है तो कौन है भैंचू? फिल फोर्डन को विंगर यूज कर रहा है. फिल फोर्डन लाइक इज प्लेइंग अ विंगर एंड हर्ट्स मी, बट क्योंकि फिल फोर्डन जो उसने परफॉर्मेंस दी अगेंस्ट चेल्सी चैंपियंस लीग में प्लेइंग अ नंबर 10 ड्रॉपिंग, मतलब जो ऑब्वियसली चेल्सी वन इट. That's what Phil Foden is for me. And even in this game against Leipzig, Phil Foden in the first half was one of the brightest players, but still he got hooked off, I think, because of fitness levels. Because I think he played a good amount of minutes in that Premier League game. बहुत बढ़िया गेम खेले भाई. कैंपल भी शायद लाइपज़िग में बहुत लाइक ही इज लाइक अ ओजी सॉर्ट ऑफ लाइपज़िग प्लेयर. कौन है एक बंदा मुझे पता नहीं, जो भी एक रेड बुल ब्राजील क्लब है, रेड बुल ब्राजील, मुझे पता नहीं था मैच वाले का, रेड बुल ब्राजील, ये पूरी ब्रांचेस खोल रखी है इनकी हर जगह. रेड बुल ब्रगान है, क्रेजी रेड बुल कोई है एक बंदा, क्लॉडिनियो शायद से, हाँ लगा दी उसने. अबे नहीं भाई, उसने तो प्रॉपर इट लुक लाइक कि हाँ ये इसमें कुछ तो रेड बुल आ रहा है, मैं चेक करें कि कौन है, रेड बुल है क्या इसमें, रेड बुल था भाई, तो भाई इंटेंसिटी बाइट करता बंदा लिटरली, खतरनाक लगता बट खैर. तो मैं अगेन पीएसजी में वन थिंग मुझे नोटिस्ड, मैंने फर्स्ट हाफ देखा था कि व्हाई एम्बाप्पे एंड मेसी आर परफेक्ट फॉर ईच अदर, लाइक दे आर परफेक्ट फॉर ईच अदर. मैंने लास्ट टाइम देखो पॉडकास्ट में बोला था कि टेक नेमार आउट
अबे वो नेमार क्रंचेस वो मार रहा है वो मार रहा है नेमार की बात अबे वो तो एम्बापे ने भाई मेसी जब से मेसी है तीन चार सालों से जो लास्ट तीन चार साल थे जब ना स्ट्राइकर था ना कोई वो बंदा था जो स्पेस अटैक तब से बारसा में था इस गेट समबडी जो स्पेस अटैक करे गेट समबडी विल रन इन बिहाइंड रन मेसी को वो दे दो ही विल किल भाई ही विल किल मोस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड लाइक ब्रो नो एफर्ट नो एफर्ट इट्स That's, ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है क्योंकि एम्बापे इज टू यंग टू बी दैट गाय जो हमेशा एक लास्ट डिफेंडर की शोल्डर पे खड़ा होगा जो रन क्योंकि अगर वहां पे खड़ा तो गोल प्रॉपर्टीज बढ़ी गई उसका सेकंड गोल देखो गांड फड़ था वो जो उसने मूवमेंट करी तो वही है वो शायद अब तो वो सॉर्ट ऑफ बनी हो गया एक बट आई डोंट लाइक इट यार क्योंकि वो उससे और बहुत बढ़िया भी है लाइक वो उसके उसके आर्सेनल इतना बड़ा है कि वो और बहुत कुछ बढ़िया कर सकता है ही इज वन ऑफ द बेस्ट द डिफरेंस बिटवीन मेसी एंड एम्बापे इज कि मेसी क्रिएट्स बहुत सारे शॉट्स फॉर हिज टीम्स But Mbappe creates goal scoring opportunities. And that's where they found this marriage. Mbappe has said that he'll create a goal. He will create a goal. Simple. It's just basically what Vinayak said, Callum Hudson-Odoi. If you put Hudson-Odoi, he'll create a goal for you. It's just like if Mbappe plays in Chelsea, if you play him a wing-back, then obviously he won't give you that goal. We were doing the point of expert. The movement is different. Our space is finding it. It's telepathic. Inside, we're playing first touch passes. But वो याद है Mbappe. He is, come on. At the moment, he is. Or even jokes aside, मतलब अगर तू Dembele को भी देखे, तो Dembele on the ball, he is not that bad. But no, obviously, question करे नहीं किसने. But जो उसका utilize करना हम चाहते हैं, वो वही है. But what I'm trying to say is that Carlo Ancelotti has made Vinicius damn disciplined. उसको एक certain area में रहना ही पड़ेगा, तो वो clutch run निकालने ही पड़ेगी. Like उसका वो काम हो चुका है. अगर वो Madrid में आता, he can't be that guy जो Benzema से भी above हो. I don't see that. I don't see that. Either you do a 4-4-2, जहाँ पे Benzema Mbappe front two or something. शायद तो दिया ऐसी तो report आई थी शायद कि उसका plan पहले ऐसा कि 4-4-2 वाला और Vinicius वाला. अरे वाले तो right पे. हाँ मगर. हाँ ये कुछ ऐसा. That'd be crazy. पता नहीं अब report Twitter को कितने ही तुम ये कितने ही believe कर सकते हो वो वाली बात है. अभी Mbappe. हाँ भाई. As a Barca fan तो बिल्कुल believe नहीं करना चाहिए Twitter को. ना भाई. रशाद रहमान ऊपरी. But it's damn disrespectful. अगर मैं Pochettino और मैं देख रहा हूँ कि Thierry Henry मेरे घर पे PSG में इंटरव्यू लेना है Mbappe का और पूरे इंटरव्यू में इट्स अबाउट Madrid कि स्पेनिश बोल रहा है तू वो तो अगर कि क्यों अलाउ क्यों होता है PSG अलाउ कैसे कर देती है PSG हैड इट कमिंग PSG सॉर्ट ऑफ क्या कर भाई क्या हो रहा है Mbappe पार्ट टाइम हंस रहे भाई वो बड़ा हंसता लुएगो स्पेनिश में हंस रहे दोनों मजे मार रहे भाई हाउ कैन यू डू दैट इतने एक प्रोफेशनल अगर क्रेजी भाई वहां पे साला बेचारा कुछ आस में इंटरव्यू देता स्पेनिश के लिए कि मैं वहां पे खेलूंगा उस बेचारे पे चढ़ जाते हर कोई यहां पे मजे मजे में प्रॉपर हां पीएसजी पीएसजी से पता है एक वॉनबी जायंट वाली फीलिंग आती है दे आर वॉनबी जायंट्स ऑब्वियसली दे आर सुपर फीलिंग नहीं है एंड दे आर दे हैव साइंड योर टू ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स मेसी नेमार तो वॉनबी फीलिंग क्या भाई ऑब्वियसली दे हैव ट्रांसफॉर्म सेंस में खैर 3 मिनट बचे अब तो बैलन डोर विनर भी आ गए उनके पास अब तो एक बैलन डोर वाह भाई तालियों प्रॉपर भाई something to cheer शिखर को तो इस positive end पे I think और काफी चीजें obviously United में Ralph Rangnick ball चल रहा है और चली पता नहीं क्या Madrid for UCL मेरे in my opinion Madrid for UCL नहीं कहाँ वो तो बाहर है अगले round बाहर है हाँ घटिया टीम और क्या है jinx से करना चाहता भाई दोनों एक दूसरे को भाई दोनों लगे रहते jinx और कौन सी टीम है भाई और किसी Madrid for treble भाई Madrid for treble
लिवरपूल तो ऑब्वियसली क्या ही बोलूं, मिलान तो इज अ शेम फॉर यूरोप, शेम ऑन मिलान, यूनाइटेड यंग बॉयज वाज यंग बॉयज था भाई वो तो, बॉबी सैवेज कौन सा, रॉबी सैवेज, मैं बॉबी सैवेज बोल रहा हूं, हां सैवेज, फिर वो फर्स्ट ब्रिटिश एशियन फुटबॉलर भी आया ना वो जिडान, कौन सा नाम क्या था, जिडान इकबाल, जिडान इकबाल, हां जिडान इकबाल। अच्छा डॉर्टमुंड सेविया वाले ग्रुप से कौन कौन गए आगे, अगले सेविया बाहर हो गई ना, डॉर्टमुंड से आए, एक भाई आए सेविया डॉर्टमुंड बाहर हो गई, वो इसका उल्टा है भाई, आईएक्स इज वन, हां मैं तू से कि आईएक्स इज वन ऑफ द फेवरेट्स, मैंने बोला था स्पोर्टिंग फर्स्ट से लेकर ये पता नहीं कहां फिनिश कर रही है स्पोर्टिंग, भाई आईएक्स का बेस्ट प्लेयर इज कौन होगा तुम्हारे हिसाब से, अब तुम आईएक्स को देखा दो, ग्रावेनबर्ग भाई, डेली ब्लिंड काफी भाई, लिसांड्रो मार्टिनेज भाई, हां मार्टिनेज क्रेजी भाई, आतंक मच, उनका डिफेंडर जब मैं बात ना डिफेंडर्स की, एक उनका डिफेंडर पेरशूर्स, शूज, हां पेरशूर्स, हां भाई ले लो यार, how similar is club brugge's noah lang to neymar, how similar, abbe bhai same hai bhai, bhai wo to bhai same hai, same aur usko face dikhne mein bhi sab kuch, uske sath piche tattoo bhi hai yahan pe jo neymar, abbe ha neymar wale tattoo maine dekha bhai, same bhai, fanboy ho same dikhta hai, mereko lag raha hai same dikhte hai, kya wo injured hota, क्या वो 25 साल का अभी तो नहीं होगा, बाद में जैसे 27-28 का, हां 27 साल का, क्या वो इंसेस्ट करता है, अरे इसके साथ पॉडकास्ट को एंड करते हैं।